इधर इस वाले बॉक्स में लिखो टू, ये लिखना है क्यों? वन मैम पेज नंबर कितना है? ये भी इसका पेज है, ठीक है? पहले मैं लिखा है आपका पहली लाइन में, मतलब बताएं एस एच
फोर्थ टेन और थर्ड लाइन पे है बाइसिकल हेलीकॉप्टर एंड बस, ये लिखा हुआ है। इनमें जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो लैंड पे चलती है, आपको उनमें सर्कल करना है, ये भी करना है आपको, ठीक है? करो आई पी अभी करना, एस एच आई पी आई, एक बार में सुनो, आई जोर से नहीं बोल सकती ना, उधर आवाज जा रही है, आई पी इतना सुनो, लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? पेंसिल है, जल्दी पेंसिल उखाड़ दे दी, लिख जल्दी, फिर पी पी बना रहा है, इधर लिखो कार, कार कार किसके लिए, सी ए आर, बीच बीचो बीच लिख कार, कार नहीं दिख रहा मैम, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, हाँ देखो, बी आई बी आई दूर लिखो, बार बार ना कहना पड़े, हाँ बी हाँ बी बी आई आई के ई के, तो गड़ा के लिखो ए ई, पत्ती उखड़ रही है ना, इससे उखड़ने दो, जब टूट जाएगी तो फिर से छीलेंगे, तो पेंसिलें का पता नहीं रहा था, आप कहोगी तो मैं तुम्हें गड़ा दे नहीं रहा, बस छोड़ दे, छोड़ दे यहाँ पेंसिल रख, इसमें सर्किल बना, कार में सर्किल का पूरे कार में सर्किल कर, सर्किल मीन्स क्या होता है, सर्किल मीन्स गोला, गोला बना कार में, इधर पूरे में कार में ऐसे गोला बना, कैसा हाथी बनाई थी, करूंगी ना, तब बच्चे सुनेंगे तब इसका समझ में आएगा, जब हंसेंगे बच्चे जब स्कूल जाएंगे, इधर देख ऐसे कड़ा के लिखना, क्या करे बच्चों, मैम चुप हो जाना, मम्मा मैम जरा साइड प्लीज, मैम साइड प्लीज, मैम बोलो दिख रहा है बेटा, अभिनव ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यस मैम, यस मैम,
सर्कल बनाओ। जो ये ट्रांसपोर्ट है बेटा, जो व्हीकल्स के नेम है, जो जमीन पर मीन स्टैंड पे चलते हैं, उनमें आपको सर्कल करना है, ठीक है? मैम मेरा हो गया। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे आपका लिखा है शिप, कार, बाइक। सेकंड लाइन पे लिखा है एरोप्लेन, बोट। फिर है टी। थर्ड लाइन पे आपका बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, बस। आई एन बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, आई बेटा आप ट्रेन में भी सर्कल कर सकते हो, ठीक है ना? ट्रेन में भी सर्कल आप कर सकते हो, वो भी आपका सही होगा, ठीक है ना? उसमें आपको परेशान मत होइए, वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? ठीक है बेटा। अभिनव अभिनव वेयर इज अभिनव? गलत कर दी है। सर्कल करना शिप सड़क पे चलती है, ट्रेन में भी आप कर सकते हो, ट्रेन में भी सर्कल कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। अच्छा, बाइक सड़क पे चलती है? यस। सड़क पे चलता है? जल्दी कर। और किसका हो गया है? ट्रेन का हटाओ। अरे हम कर सकते हो। ट्रेन ट्रैक पे चलती है, ट्रैक पे है ना? जमीन पे देखो, यहाँ ये जमीन है, जमीन पे चल रही है ट्रेन, देख रही हो? अब वो जो इलेक्ट्रिक होती है ना, जो बिजली से चलती है, वो सड़क पे चलती है, ये वाली नहीं चलती है। वरना सब खराब ना हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएंगी, हम वरना हमारे यहाँ से भी निकलती ना, तो हम लोग बस से नहीं ट्रेन से जाते। और तो क्या करूं? ये देखो क्या, हाँ बाइसिकल चलती है, साइकिल है, और ये क्या है? जमीन में चलने वाले। आई ये कौन है भाई? ये क्या है? साइकिल चल दीदी, लैंड मतलब हो गया, ये लैंड में चलती है। दीदी का क्या हो गया? ठीक है, ये कार जमीन में चलती है ना, सिर्फ कर सकते हो, ठीक है? बाइसिकल बस, ठीक है बेटा। यू कैन टिक ऑन ट्रेन, ओके? ट्रेन पे भी आप टिक कर सकते हैं, इसमें कोई आपका गलत नहीं होगा। आपने सर्कल नहीं किया क्या दीपांश? किया मैं। थोड़ा नीचे करो नोटबुक, नोटबुक नीचे करो बेटा, बहुत ऊपर करे, मुझे दिख नहीं रहा। और ऊपर बाइक और कार पे किया है। अच्छा, ट्रेन पे भी कर सकते हो आप, बस, ठीक है बेटा। अक्षिता कौन बोला, नंदिनी प्रिया की अक्षिता? और पास पे लेकर आओ बेटा। डेट तो डाल दिया कर, कभी डेट क्या है? डेट आती है, दिखा बेटा, और दिखाओ अपनी नोटबुक के पास लेकर आओ, कैमरे के पास। कैसे दिखा रहे हो आप बेटा, मुझे नहीं दिख रहा है।
चलिए हो गया, आप मत दिखाइए, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ऐसे में, तो और किसी को अच्छा बेटा आज आपको होमवर्क ये है कि मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा रही हूँ, बोर्ड पे भी लिखने में आपको टाइम लग जाएगा। यू हैव टू राइट डिफरेंस अलग अलग जो रूम्स होते हैं उनके नेम लिखने हैं आपको, एंड यू हैव टू लर्न दैट, आपको लर्न भी करना है, ठीक है ना। किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम है ना, इन सब के नेम आपको लिख के रखने हैं एज अ होमवर्क। ओके ओके, समझ में आ गए होमवर्क सारे बच्चों को? मैम।